वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज हम साइंस क्लास 7 के सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को पढ़ेंगे। प्लांट्स कैन प्रिपेयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा प्लांट अपना फूड बना लेता है, पर एनिमल को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फूड के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट से ही फूड लेता है, या डायरेक्टली उस प्रोसेस में लेगा जब एनिमल डायरेक्ट प्लांट को खाएगा, इनडायरेक्टली तब लेगा जब एनिमल दूसरे एनिमल को खाएगा। जैसे कार्निवोरस हर्बीवोरस एनिमल को खाएगा, उसके बाद हर्बीवोरस एनिमल तो प्लांट पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए इनडायरेक्टली वे में कार्निवोरस एनिमल प्लांट पे डिपेंडेंट होता है और हर्बीवोरस डायरेक्टली वे में। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, उस एनिमल एनिमल को ओमनिवोरस बोलते हैं। तो एनिमल के न्यूट्रिशन में क्या 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 जुड़ा है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक, किस माध्यम से वो फूड को ले रहा है, एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी में कैसे यूटिलाइज कर रहा है फूड को। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, फूड लेने के अलग अलग तरीके हैं। मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फूड को लेने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे बीज ह्यूमिंग बर्ड्स सक्स नेक्टर ऑफ प्लांट, इन्फेंट्स सक्स नेक्टर ऑफ प्लांट, बीज मधुमक्खी या फिर ह्यूमिंग बर्ड वो फ्लावर्स को के नेक्टर को अपने फूड के तौर पर यूज करती है। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन बीज ह्यूमन एंड मेनी एनिमल्स, ह्यूमन और दूसरे बहुत सारे एनिमल्स के इन्फेंट जो बच्चे होते हैं वो मदर मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। अब डाइजेशन कौन सा प्रोसेस है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फूड के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने के प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन इन एनिमल, एनिमल के डाइजेशन में फूड पासेस थ्रू कंटिन्यूस कैनाल विच बिगेंस एट बगल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। फूड कंटिन्यूस कैनाल के थ्रू पास करता रहता है जो स्टार्ट होता है बगल कैविटी में और एंड होता है जिसका एंड पॉइंट है एनस। कैनाल उस फूड के कैनाल का बहुत सारे कंपार्टमेंट है, जैसे कि बकल कैविटी, फूड फाइबर, ओसोफेगस, तीसरा स्टोमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद फूड जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो रेक्टम के थ्रू रेक्टम में जाता है, उसके बाद एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये सारे पार्ट को एक साथ एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोला जाता है। फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड अस फूड ट्रेवल थ्रू वेरियस कंपार्टमेंट। इन सारे कंपार्टमेंट से फूड इंटर करेंगे, उसके बाद फूड डाइजेस्ट हो जाएंगे। द इनर वॉल ऑफ स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद कैनाल। स्टोमक इनर वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन और बहुत सारे कुछ ग्लैंड है जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। डाइजेस्टिव जूस का फंक्शन होता है कि कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। डाइजेस्टिव जूस का फंक्शन होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल में ये सारे ग्लैंड थे, और उसके बाद एसोसिएटेड ग्लैंड में है तीन ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड मतलब सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज मिलकर के टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा कि एलिमेंट्री ग्लैंड और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बगल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है। बगल कैविटी के बाद ओसोफेगस के बाद स्टोमक में फूड इंटर करता है, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है,
स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, उसके बाद रेक्टम में एंटर करता है, रेक्टम के बाद एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस और सारा कंप्लीट डाइजेशन लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद जो फूड जिसको डाइजेस्ट नहीं होना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में था, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब ये बकल कैविटी, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस। और उसके बाद एसोसिएटेड ग्लैंड में है सलिवरी ग्लैंड, लीवर और पेंक्रियाज। ये दोनों मिलकर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड मिलकर के टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। माउथ एंड बगल कैविटी, फूड टेकन इन टू बॉडी थ्रू माउथ। माउथ के थ्रू फूड को ले लिया जाता है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड कॉल्ड इंजेशन। और जिस प्रोसेस के थ्रू फूड को माउथ में लेते हैं उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस के बाद टीथ के मदद से फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को स्मॉल कंपोनेंट में तोड़ते हैं और हमारे टंग में सलाइवा प्रेजेंट होता है। और सलाइवा का क्या फंक्शन होता है कि सलाइवा स्टार्च को तोड़ेगा, स्टार्च का ब्रेक डाउन करके उसको शुगर में तोड़ता है सलाइवा। तो हमने पढ़ा माउथ एंड बकल कैविटी में इंजेशन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी, बॉडी के अंदर फूड जो लेते हैं उसके प्रोसेस को इंजेशन बोला जाता है। सलाइवा का फंक्शन होता है कि स्टार्च का ब्रेक डाउन करके, स्टार्च को तोड़ करके शुगर के कंपोनेंट में स्टार्च को तोड़े। तब फूड पाइप ओसोफेगस, स्वेलोड फूड पासिस इनटू फूड पाइप और ओसोफेगस। जो फूड को हम निगल लेते हैं वो पास करता है फूड पाइप और ओसोफेगस से। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वाल ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप के वाल के मूवमेंट के द्वारा फूड हमारे अंदर एंटर करता है। एक्चुअली मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश्ड फूड डाउनवर्ड। ये प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा होता है और इसमें फूड को अंदर की तरफ लिया जाता है, फूड को अंदर की तरफ डाउनवर्ड पुश किया जाता है। एट द टाइम फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टोमक एंड इज वोमिटेड आउट। जिस अगर किसी टाइम में फूड को स्टोमक एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उस टाइम में वोमिटिंग हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। ओसोफेगस फूड पाइप में हमने पढ़ा है कि जो फूड को हम निगलते हैं वो पहले इंटर करता है स्वेलोड फूड पासेस थ्रू ओसोफेगस और फूड पाइप। जो फूड को हम निगलते हैं वो पहले फूड पाइप और या फिर ओसोफेगस से पास करता है। स्टोमक, अब स्टोमक को पढ़ेंगे। स्टोमक थिक वाल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग जिस जे लाइक स्ट्रक्चर है जो देखने में जे टाइप रहेगा। इट द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे मोटा पार्ट है। इट रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ये फूड पाइप एक एंड से अपने ऊपर के एंड से फूड को लेता है, इस फूड को लेता है एलिमेंट्री कैनाल से, उसके बाद अपने लोअर एंड से फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोलाइटिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। स्टोमक का इनर लाइनिंग म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, म्यूकस स्टोमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। एसिड किल मेनी बैक्टीरिया इंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक, हेल्प इन डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। एसिड क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एसिड बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देता है जो फूड के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया आएगा उससे डाइजेस्ट करेगा, उससे किल करेगा हाइड्रोलाइटिक एसिड। और इसके बाद वो पूरे बॉडी के स्टोमक के मीडियम को एसिडिक बनाएगा जो डाइजेस्टिव जूस के को एक्ट करने के लिए हेल्पफुल होगा, जो हेल्पफुल होगा ताकि डाइजेस्टिव जूस एक्ट कर सके। डाइजेस्टिव जूस का क्या फंक्शन है, डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और डाइजेस्टिव जूस एक्टिवेट होकर के वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ेंगे। हमने स्टोमक में पढ़ा कि स्टोमक एक थिक वाल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो जे शेप का होता है, जे शेप थिक वाल्ड
बैग लाइक स्ट्रक्चर, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एक एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइड सबसे मोटा पार्ट होता है। फूड रिसीव फ्रॉम फूड पाइप एंड वन इंड्स एंड ओपन इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड एक इंड से रिसीव होगा, उसके बाद जो ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड पहले रिसीव होगा फूड पाइप से, मतलब फूड पाइप मतलब ओसोफेगस से रिसीव करेगा एक एंड से, और दूसरे एंड में स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को भेजेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे दिखाया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसका लेंथ 7.5 मीटर होगा। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेंक्रियाज। जो लीवर और पेंक्रियाज सिक्रीट करता है उसे ये रिसीव करता है। लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लीवर रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो राइट साइड में, एब्डोमेन के राइट साइड में अपर पार्ट में प्रेजेंट है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है। इट सिक्रीट बाइल जूस एंड स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है और उसे गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर, लीवर बाइल जूस सिक्रीट करके गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। अब बाइल जूस का फंक्शन क्या है? बाइल जूस का फंक्शन है कि फैट को डाइजेस्ट करेगा। फैट्स के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाइल जूस। पेंक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। पेंक्रियाज लार्ज क्रीम कलर्ड ऑर्गेन है जो स्टोमक के जस्ट थोड़ा नीचे प्रेजेंट है। पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जिसका फंक्शन है एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। वो पेंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन पर एक्ट करेगा, उसे उसके सिंपलर फॉर्म्स में उसे तोड़ेगा। सिंपलर फॉर्म जैसे कि पार्शियली डाइजेस्टिव फूड नॉट रीच द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड थोड़ा डाइजेस्ट हुआ है, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में चला गया, नीचे वाले पार्ट में। वेयर इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। जहाँ पे इंटेस्टिनल जूस प्रेजेंट होगा और वो फूड के सारे कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करेगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करके सिंपल शुगर में टूटेगा, सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज में टूटेगा। फैट्स डाइजेस्ट होकर के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा। प्रोटीन्स डाइजेस्ट होकर के अमीनो एसिड में टूटेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट्स बाइल जूस स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है कि बाइल जूस सिक्रीट करता है और वो बाइल जूस को गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। और बाइल जूस का फंक्शन है कि डाइजेशन ऑफ फैट, फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस का फंक्शन है कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स। फैट्स प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट को पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करेगा। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इन टू ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल से पास करेगा, जिसके उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर पार्ट में बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिसे विलाई बोलेंगे। और विलाई का फंक्शन क्या होगा? विलाई इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा विलाई। इच विलाई जिसके सिंगल यूनिट को विलस बोलेंगे। इच विलस हैड नेटवर्क ऑफ थिन स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू द सरफेस। सारे प्रत्येक विलस में स्मॉल ब्लड वेसल उसके सरफेस से क्लोज होगा। द सरफेस ऑफ विलाई एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। विलाई के सरफेस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ऑब्जॉर्ब करेगा। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। वे आर यूज टू बिल्ड कम्प्लेक्स सम्ट्रांस। क्या करेंगे यहाँ पे? डाइजेस्टेड फूड को ब्लड वेसल के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में भेजेंगे। विलाई का फंक्शन है कि नर्व्स के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू डाइजेस्टेड फूड को अलग अलग ऑर्गन्स में भेजेंगे,
जहाँ उसके यूज अलग अलग कंपोनेंट्स को बनाने में उसका यूज किया जाएगा। वेयर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जहाँ उसका यूज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाने में किया जाएगा, जैसे कि प्रोटीन बनाने में उसका यूज किया जाएगा जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और उस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज को क्या करेगा, ग्लूकोज टूट करके ऑक्सीजन के मदद से टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, एंड एनर्जी, और उसके बाद एनर्जी रिलीज होगा बॉडी में। फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड इंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड अनडाइजेस्टेड होगा या फिर अनएब्जॉर्ब्ड होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड नाउ पासेज इनटू ब्लड वेसल्स। डाइजेस्टेड फूड अब ब्लड वेसल के थ्रू पास करेंगे। विलाई फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। एब्जॉर्ब सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, और वो जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसे एब्जॉर्ब करेगा। एसिमिलेशन कौन सा प्रोसेस है, एब्जॉर्ब सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गेन। एब्जॉर्ब सब्सटेंस ब्लड वेसल के थ्रू अलग अलग ऑर्गेन्स में डिवाइड कर दिए, अलग अलग ऑर्गेन्स में पहुंचा दिए जाएंगे, जहां उसका यूज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन बनाने के प्रोसेस में, जहां उसका यूज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन बनाने के प्रोसेस में यूज किया जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन वाइड है, ज़्यादा चौड़ा है या फिर छोटा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जिसका साइज 1.5 मीटर है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का 7.5 मीटर था। इसका फंक्शन क्या है, इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। इट्स फंक्शन टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। इसका फंक्शन है कि वाटर या फिर कुछ साल्ट को अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब करेगा। रिमेनिंग वाटर पासेज इनटू रेक्टम, और रिमेनिंग वेस्ट जो है वो रेक्टम में पास करके चला जाएगा, और रेक्टम में सेमी सॉलिड फेस फेस में प्रेजेंट रहेगा, और वो फेसियल मैटर एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाएगा। एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जिस प्रोसेस को इजेशन बोलेंगे। इजेशन मतलब बॉडी बाहर निकलना। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब वाटर एंड सब्सटेंस, जो अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर और सब कुछ साल्ट होंगे उस एब्जॉर्ब करेगा। इजेशन फेसियल मैटर रिमूव थ्रू एनस, एनस के थ्रू फेसियल मैटर को रिमूव कर देगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड एंड डाइजेशन इन ह्यूमन को पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स घास खाते हैं उसमें कैसा डाइजेशन होता है, या फिर फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा में किस किस तरह का डाइजेशन होता है उसे पढ़ेंगे। तो हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।